इस पिक्चर को आप देखकर क्या बता सकते हैं कि आज मैंने व्रत फलाहार में क्या बनाया है। शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने लिया है खजूर। खजूर को ये बीज को हमने निकाल कर खजूर को साफ कर दिया है। इसमें डालने के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ सीड लिए हैं। किशमिश, सौंफ, इलायची, मेलन सीड, वाटर मेलन सीड, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, काजू और थोड़ा सा खसखस। कढ़ाई में डालेंगे देसी घी और उसमें खसखस डाल के जो सारे सीड हैं उसमें डालना शुरू करेंगे एक एक कर। सीड ऐसे होते हैं जो चिटकते हैं, इसलिए हमने इसको ढक के भुना है। कभी कभी ये छिटक कर आँखों पे भी चले जाते हैं, इसलिए इसको ढंग कर भुनना चाहिए। सारे सीड और ड्राई फ्रूट को हम धीमी आंच पर भून लेंगे अच्छी तरह। इसके बाद इसमें जो खजूर था उसको भी डालकर भून लेंगे। ठंडा होने के बाद मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है हमको, इस तरह से ही, और एक बाउल में निकाल लेंगे। इसके बाद सौंफ डाल देंगे, थोड़ा सा सिंघाड़ा का आटा डाल देंगे और इसको मिक्स कर हाथ से ही मिक्स करेंगे, चम्मच से नहीं मिक्स होगा। देखिए इसको हमने अच्छी तरह मिला लिया, हाथ पे लेके इस तरह मसल मसल कर मिला देंगे। मिलाने के बाद हमने छोटी छोटी लोइयां लेकर इस तरह का आकार दे दिया है। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी सांचे की सहायता से या दूसरा आकार दे सकते हैं। देखिए हमने ऐसे सारे को बना लिया। कढ़ाई में हम या मूंगफली का तेल डाल सकते हैं या देसी घी, जो भी उपलब्ध हो उसमें इसको हम डाल के तल लेंगे। सबसे अच्छी बात ये है इस रेसिपी में कि हमने ना ही इसमें चीनी का उपयोग किया है ना ही गुड़ का। आप एक नहीं चार खाएंगे तब भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।